स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पे ITI टेक्निकल कोर्स में। आज के टॉपिक है कि ITI में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन से टर से लेना चाहिए। यदि आप 8वीं क्लास पास हो तो आपको कौन सा टर मिलेगा, यदि आप 10वीं पास हो तो आपको कौन से टर करना चाहिए, कौन से सबसे अच्छा बेस्ट टर माना जाता है, सबसे ज्यादा जॉब लगने की संभावना कौन से टर से होती है, और हमें ITI करनी कैसे चाहिए, प्राइवेट करनी चाहिए या गवर्नमेंट करनी चाहिए। एक होता है NCVT से करना है या SCVT से करना है, बहुत लोगों को डाउट भी होगा, तो आज इन सभी का डाउट मैं खत्म कर देता हूं और उनको ये भी बता देंगे कि आप कौन से टेट से करोगे, कहां पे आपको जॉब मिलेगी। आज मैं कम से कम 10 टेट ऐसे बताएंगे जो आपको एक फील्ड पता चल जाएगा कि इन टेटों से ITI करने के बाद एक्चुअल पे जॉब कहाँ मिल सकती है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हम 8वीं क्लास पास है, हमें कौन से टेट से करनी चाहिए ITI, या हम ITI कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो सारी चीज मैं आज कंफर्म कर देता हूं। और ITI प्रवेश प्रारंभ है, यदि आप लेना चाहते हो ITI तो ITI कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर खुद, और नंबर मैं लिख देता हूँ, और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो यदि MP से ITI करना चाहते हो भोपाल के अंदर पे, तो आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे नंबर लिख लो, 9399532912। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। यदि आपको ITI करना है भोपाल या MP कहीं से भी करना है तो आप संपर्क कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हो या 10th पास हो, 8th क्लास पास हो और 12th क्लास पास हो, सबको ही आप देख सकते हो, क्योंकि यदि आप डिप्लोमा नहीं कर सकते, BA नहीं कर सकते तो ITI कर सकते हो, टेक्निकल फील्ड हो सकती है ताकि आपको आगे चल के रोजगार मिल सके और अच्छी कंपनियों में आपका नौकरी मिल सके। अब ITI प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले बताऊंगा कि यदि आप ITI करना चाहते हो तो आप करना NCVT से, NCVT। अब मैं ये भी बता दूंगा NCVT क्या होती है और NCVT से क्यों करना चाहिए। देखो NCVT ये बोर्ड है, एक SCVT होती है, एक NCVT होती है, एक होती ही SCVT, एक होती है NCVT। NCVT का मतलब ये होता है कि नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी आप यदि NCVT से ITI करना चाहते हो, यदि करोगे तो आपको जॉब ऑल इंडिया में कहीं भी लग सकती है। आप ITI करने के बाद ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हो वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए। और जो SCVT होती है, स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, ये सिर्फ अपने आप स्टेट भर से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप MP से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ MP की जो वैकेंसी होती है, MP के ITI में होती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, सिर्फ वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अब NCVT से कर लो, यदि आप ITI करना चाहते हो तो करना NCVT से। अब ट्रेड की बात करते हैं, कौन से ट्रेड से आपको करना चाहिए। सबसे पहला मैं बताऊंगा कि यदि आप ITI करना चाहते हो, यदि आप 10th पास हो तो आप ITI करना तो इलेक्ट्रीशियन से करना। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन कोर्स ट्रेड जो होता है 2 वर्ष को होता है, नहीं, इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है अवधि 2 वर्ष अवधि होती है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ये इसमें 10th पास होना चाहिए और वो भी विज्ञान गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, विज्ञान और गणित। यदि आपका सब्जेक्ट में विज्ञान है और गणित है 10th में, तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI ले सकते हो। अब इसके फायदे क्या हैं आप देख लो, कहीं भी इंडस्ट्री पे जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं, सारी चीज मशीन जो है इलेक्ट्रिकल से चल रही है, वहां पे इलेक्ट्रिकल के एम्प्लाई बहुत मांग है और इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी भी हर एक स्टेट में हर एक जगह बहुत ज्यादा निकलती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल से करने से, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने से आपको जॉब करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप कहीं भी जल्दी से सेलेक्ट हो जाओगे। अब इसके बाद दूसरा जो अच्छा ट्रेड माना जाता है वो होता है फिटर। आप फिटर से भी ITI कर सकते हो। फिटर का ड्यूरेशन है 2 वर्षीय है, यानी 2 वर्ष का कोर्स है, और क्वालिफिकेशन यदि की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन भी 10th है और वही रहेगा विज्ञान और गणित, विज्ञान गणित। फिटर से आप यदि ITI कर लिए हो तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें रेलवे में होती है, रेलवे हो गया, टेक्निकल हो गया, टेक्नीशियन बन सकते हो, ALP रेलवे में बन सकते हो, ये फिटर वाले सबसे ज्यादा मांग होती है रेलवे में।
फिटर की वैकेंसी में रेलवे में आप जा सकते हो, एलपी बन सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन बन सकते हो। और आप रेलवे के जितने भी मेंटेनेंस विभाग होते हैं, सबसे ज्यादा फिटर वाले के लिए मांग होती है। क्वालिफिकेशन बता दिए आपका, वही रहेगा, 10th रहेगा। और फिटर से भी आप यदि करना चाहते हो 2 वर्ष की होती है। छोटा सा डाउट और खत्म कर देते हैं। यदि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट चुनना चाहते हो, तो यदि आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिल जाती तो अच्छी बात है, यदि आपको गवर्नमेंट आईटीआई नहीं मिलती आप प्राइवेट भी कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, डिफरेंस ये होता है सिर्फ गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती, प्राइवेट में सिर्फ फीस लगती है। आपका एग्जाम गवर्नमेंट की तरह होता है, पूरा गवर्नमेंट ही मार्कशीट देती है, गवर्नमेंट के अधीन ही सारा काम आपका होता है, सिर्फ डिफरेंस यही होता है फीस का होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तीसरा सबसे अच्छा ट्रेड इसके बाद यदि माना जाए तो तीसरा होता है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक भी अच्छा ट्रेड होता है, जो कि सबसे ज्यादा मतलब कि कहा जाए तो इनके अपेक्षा तीसरे नंबर पर यही आता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 वर्ष का कोर्स होता है, 1 वर्ष का कोर्स होता है डीजल मैकेनिक के लिए। और वही क्वालिफिकेशन 10th रखी जाती है, डीजल मैकेनिक भी आप कर सकते हो। फोर्थ नंबर की बात किया जाए, फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा हम लोग कोपा की मानती हैं। कोपा कोपा एक ट्रेड होता है जो कंप्यूटर कोर्स होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेट, ये जो कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये ट्रेड होता है। आप लोग डीसी पीजी डीसी सुने होंगे, बहुत जगह वैकेंसी ऐसे गवर्नमेंट जगह पे निकलती जहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह होती है, वहां पे कंप्यूटर में असिस्टेंट के लिए मतलब कोपा वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, उनको मांगता है। कोपा के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो ये 12th आप किए हो तो आप भर सकते हो और कोपा कर सकते हो, 12th बेस से होता है, अच्छा कोर्स होता है। अक्सर ये लड़कियां करती हैं कोपा से, और लड़के भी करते हैं मगर लड़कियां अक्सर ज्यादा करती हैं कोपा में, क्योंकि कोपा एक ऑफिशियली वर्क मिलता है, इंडस्ट्री में नहीं मिलता। और कोपा में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी में आपको रखा जाता है। 6 नंबर की वैकेंसी की बात करें, 5 नंबर की, तो यहाँ पे 5 नंबर पे अपन आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक भी एक ट्रेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, चलो इलेक्ट्रॉनिक ही समझो, इलेक्ट्रॉनिक में अपन अक्सर वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक से आती है, इसरो की बात कर लेते हैं, डीआरडीओ में आती रहती है, और डीआरडीओ डीएमआरसी में आती है, ये कुछ वैकेंसी है जो कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वाले मांगता है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को कभी कभी कंबाइंड मांग लेता है। इलेक्ट्रॉनिक से आप आईटीआई किए हो तो आप लाइनमैन भी बन सकते हो, असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसी आती है, तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मांग लेता है कभी कभी। ठीक, ये डाउट खत्म कर दो। अब आती है बात, अगला ट्रेड बता देते हैं, 6वां नंबर, जो 6वां नंबर ट्रेड हमारा है ये होता है बिल्डर। बिल्डर की जो ट्रेड होती है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बेचल लेती है इन लड़कों को, इसमें बीएचएल में जाते हैं, और ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, जो बेल्डर होता है ये 1 वर्ष का होता है, और 8वीं क्लास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं इसमें, 8वीं क्लास वाले स्टूडेंट आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का कोर्स होता है। यदि आप 8वीं पास हो तो आपको वो बेल्डर से आईटीआई कर सकते हो, बेल्डिंग का काम रहता है, पूरा बेल्डिंग का काम करना पड़ेगा आपको, और सीख जाओगे तो अच्छी जगह पर आप लग सकते हो। और आगे मैं बता देता हूँ कौन सा और अच्छा ट्रेड होता है। आप लोगों को बहुत दिनों से डाउट है कि सर मैं कौन से ट्रेड से आईटीआई करूं, कौन से ट्रेड में सबसे ज्यादा जॉब लगने की संभावना होती है, कौन से ट्रेड से अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है, हर जगह हम जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आप आईटीआई करना चाहते हो तो एनसीबीटी से करना, एससीबीटी से करना ही नहीं है अपन को, क्यों? क्योंकि एससीबीटी होती है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ आप अपने स्टेट स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो, स्टेट में ही जॉब पा सकते हो आईटीआई से रिलेटेड, अन्य जगह नहीं पा सकते हो। 7वें नंबर ट्रेड की बात कर लेते हैं, जो 7वां नंबर हमारा आज का ट्रेड रहेगा जो मैं बता रहा हूं आपको, बायरमैन। बायरमैन इलेक्ट्रीशियन सेम होता है, बायरमैन इलेक्ट्रीशियन सेम होता है, ये भी 2 वर्ष का कोर्स होता है, और इसमें कक्षा 8 वाले भी कर सकते हैं। यदि आप कक्षा 8 से आईटीआई की हो, सॉरी कक्षा 8 पास हो, कर सकते हो, 2 वर्ष का कोर्स होता है।
अक्सर जो वैकेंसी है वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन कंबाइंड करके वर्क वैकेंसी निकाल देते हैं, तो वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले कर सकते हैं। वायरमैन के बाद आता है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट या हाँ मशीनिस्ट होते हैं जो मैकेनिकल ट्रेड होता है। मशीनिस्ट ट्रेड भी अच्छा होता है। मशीनिस्ट ट्रेड ये भी जो वर्ष होता है इसका 2 वर्ष का होता है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th मांगी जाती है। फिर इसके बाद टर्नर आता है। टर्नर भी आप टर्नर का जो कोर्स होता है ये 2 वर्ष का होता है। ठीक, 2 वर्ष के बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी 10th है। 10वां नंबर आप कर सकते हो तो ARC कर सकते हो। RAC रेफ्रिजरेटर AC जो होता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए, और ये भी वही 10th और 2 वर्ष का कोर्स होता है, सेम होता है। तो कुछ 10 ट्रेड है जो आप खुद ITI में सोच सकते हो कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, पूरी प्रक्रिया में प्रोसेस बता दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।